नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेमंत सोरेन की जो बेल जजमेंट आई है कल झारखंड हाईकोर्ट से, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स देखेंगे और इस केस में जो प्राइमरीली दो सेक्शन इन्वॉल्व हैं, सेक्शन 50 एंड सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए एक्ट, वो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो जो सेक्शन 50 है पीएमएलए एक्ट का, दैट इज बेसिकली काइंड ऑफ सेक्शन 164 इन द सीआरपीसी, जिसका जो नेचर है दैट इज बेसिकली डीम्ड एज जुडिशियल प्रोसीडिंग, राइट। तो और उन्हीं स्टेटमेंट्स के बेस पे ये पूरा केस बेस्ड है, राइट। तो उसको हम देखेंगे। हेमंत सोरेन ने जो अपनी स्टेटमेंट दी है 50 पीएमएलए एक्ट में, उसमें जो उसके ऊपर आरोप है मेन लैंड ग्रैबिंग का, उसको उसने टोटली डिनाई किया है, राइट। तो शुरुआत ऐसे होती है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक 4.5 एकड़ की ज़मीन थी रांची में, जिसको कुछ प्राइवेट पर्संस यू नो देवर ग्रैबिंग दैट लैंड, कुछ प्राइवेट पर्संस ग्रैबिंग कर रहे थे उस लैंड की विद दी कनाइवेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशल्स इंक्लूडिंग एक्स डिप्टी कमिश्नर एंड रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर। तो ये जो व्यक्ति है, अब एक व्यक्ति का नाम जो इसमें यू नो विच अपीयर्स एज अ की पर्सन इज भानु प्रसाद। वो भानु प्रसाद जो है, ही इज़ अ रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर एंड ही इज यू नो कंसिडर्ड टू बी मैन्युपुलेटिंग रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और फॉल्सिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। पूरा डाटा वाटा वो बदल देता था, जो कुछ प्रॉपर्टीज उसमें ऐसी थी जो कि यू नो जो जनरल कैटेगरी के व्यक्ति को बेची नहीं जा सकती थी, और कुछ मतलब कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ थी, और कुछ यू नो उनका नेचर उसने बदल के ऐसा कर दिया एंड डेट वर सोल्ड टू जनरल कैटेगरी पीपल, इस तरह से उनको उसने बेच दिया। तो इन्वेस्टिगेशन होती गई और इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे जुड़ के इस तरफ मुड़ गई कि ये जो व्यक्ति है भानु प्रसाद, ही इज़ वन ऑफ द एकम्प्लिस टू द हेमंत सोरेन, राइट। तो हेमंत सोरेन को भी यू नो एक पीस ऑफ लैंड 9 एकड़ का यू नो फाउंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि 9 एकड़ का एक जो लैंड है वो हेमंत सोरेन के प्रॉपर्टी है। तो उस प्रॉपर्टी पे जब विजिट किया गया तो वहाँ बाउंड्री वॉल हो रखी थी उस लगभग 9 एकड़ की प्रॉपर्टी पे, और वहाँ जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी मंत्री जी की है। और जो वहाँ एक संतोष मुंडा नाम का व्यक्ति मिला, उसने भी कहा हु वाज आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बाउंड्री वॉल मेड द केयर टेकर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही ऑल्सो डिपोज दैट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग टू मंत्री जी, यानी कि हेमंत सोरेन, राइट। तो उस बेसिस के ऊपर हेमंत सोरेन का इससे कनेक्शन जुड़ा और हेमंत सोरेन के ऊपर फिर यू नो केस रजिस्टर हुआ, और हेमंत सोरेन से फिर 36 लाख रुपये यू नो रिकवर हुए उसके दिल्ली वाले घर से, और बीएमडब्ल्यू जो गाड़ी थी उसके दिल्ली वाले घर से जब वो अरेस्ट हुआ था तो वो सब सीज हुआ एंड देट वॉज कंसिडर्ड एज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। और इनफैक्ट ये समझा गया कि हेमंत सोरेन इन पूरी जितनी ये लैंड ग्रैबिंग सिंडिकेट चल रही है इस पूरे केस में, उसमें हेमंत सोरेन इज यू नो वो सब हेमंत सोरेन की सुपरविजन में या उसकी जानकारी में हो रही है, राइट। तो ये केस था ईडी का। उसके बाद क्या होता है कि जो मैंने बताया कि सेक्शन 50 पीएमएलए एक्ट कहता है कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग का नेचर होता है इसका, और ये दीज स्टेटमेंट्स आर एडमिसेबल इन एविडेंस इन द कोर्ट। तो 164 से जैसे होती है वैसा ही इसका काइंड ऑफ नेचर होता है। उसके बाद जो सेक्शन 45 है, तो सेक्शन 45 है पीएमएलए एक्ट का जिसमें बेल दी जाती है, तो दैट सेज दैट देयर आर ट्विन कंडीशन टू ग्रांट बेल। पहली तो ये कि द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द बेल एप्लीकेशन फॉर सच रिलीज, जैसा कि जो अरविंद केजरीवाल का केस हुआ था जब उसमें हाई कोर्ट ने जो बेल डिनाई करी उसमें वन ऑफ द ग्राउंड दैट वाज टेकन बाय ईडी इज दैट वी वर नॉट गिवन प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू अपोज द बेल एप्लीकेशन, राइट। तो एक तो कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज करेगा बेल एप्लीकेशन को, तो कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट देर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट
he is not guilty of such offense and that he is not likelihood to commit any offense while on bail. तो यानी कि कंडीशन ये हो गई कि एक तो इस व्यक्ति ने प्राइमा फेसी ही ऑफेंस नहीं करा है और दूसरा जब ये बेल पे होगा तो ये कोई और ऑफेंस नहीं करेगा. तो ये दो कंडीशन है सेक्शन 45 पीएमएलए एक्ट के अंदर बेल देने के लिए, राइट. तो अब जब कोर्ट ने इस केस को डिस्कस किया तो आई एम कमिंग डायरेक्टली टू दी यू नो द मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्ट विच इज दैट the overall conceptus of the case based on the broad probabilities and does not specifically and indirectly assign petitioner to be involved in acquisition and possession as well as concealment of 8.86 acre of land in Shantinagar, Ranchi connected to the proceeds of crime, right. तो court कह रहा है कि इसका कोई specific या indirect role नहीं नजर आ रहा है and the जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स या जो डायरीज वगैरह जो रिकवर हुई है उसमें नन ऑफ द रजिस्टर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बेयर इम्प्रिंट ऑफ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पिटिशनर यानी कि हेमंत सोरेन इन एक्विजिशन और पोजेशन ऑफ द सैड लैंड, राइट. तो इस तरह से कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि हेमंत सोरेन का इससे कोई कनेक्शन नजर नहीं आता, राइट. तो जहां तक फिर उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि जो 45 की जो दो कंडीशन है उसमें कोर्ट ने कहा कि जैसे कि ये जो सेकंड वाली कंडीशन है कि बेल पे भी ये आदमी ऑफेंस नहीं करेगा, राइट. तो उसके लिए कोर्ट ने ये कहा द सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट एज रिगार्ड्स हिज लाइकलीहुड ऑफ नॉट कमिटिंग एन ऑफेंस वाइल ऑन बेल मस्ट बी कंस्ट्रूड टू मीन एन ऑफेंस अंडर द एक्ट एंड नॉट एनी ऑफेंस व्हाटसोएवर बी माइनर और मेजर. क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर तो even if such an expansive meaning is given every likelihood of commission of offense under section 2 even under section 279 of the IPC may debar the court from release accused on bail. ki is tarah se to fir court kisi ko bail de hi nahi sakta, right. and this is actually an absurd provision aur is tarah se fir court is natije pe pahuncha aur court ne Hemant Soren ko bail grant kar di. I hope this video would be useful for you. Thank you for watching.